नमस्कार आदाब, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं Time 24 न्यूज़। दोस्तों, हिंदुस्तान के मशहूर न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना की हार्ट अटैक के कारण आज मौत हो गई। वो लंबे समय तक जी न्यूज़ में एंकर रहे। रोहित सरदाना इन दिनों आजतक न्यूज़ चैनल में एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। हिंदुस्तान वेबसाइट से ली गई जानकारी के अनुसार उन्हें शुक्रवार की सुबह को हार्ट अटैक आया, जिसमें उनकी मौत हो गई। वह कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। हार्ट अटैक के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया, अब से थोड़ी देर पहले जितेंद्र शर्मा का फोन आया, उसने जो कहा सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर थी। ये वायरस हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले जाएगा, ये कल्पना मैंने नहीं की थी। इसके लिए मैं तैयार नहीं था। ये भगवान की नाइंसाफी है। 22 सितंबर 1979 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जन्मे, लंबे समय से टीवी मीडिया का चेहरा रहे रोहित सरदाना इन दिनों आजतक न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले शो दंगल की एंकरिंग करते थे। 2018 में ही रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से नवाजा गया था। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट रोहित सरदाना की मौत की जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा, दोस्तों बेहद दुखद खबर है, मशहूर टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया है। उन्हें आज सुबह हार्ट अटैक आया है। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना। दोस्तों, भले ही कोरोना और दिल का दौरा पड़ने से वह दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन एक दिन पहले तक वह लोगों की मदद के लिए सक्रिय थे। कोरोना का शिकार हुए लोगों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन बेड आदि तक की व्यवस्था के लिए वह लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और लोगों से सहयोग की अपील कर रहे थे। यहां तक कि अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले यानी 29 अप्रैल को भी उन्होंने ट्वीट कर एक महिला के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करने की अपील की थी। इससे पहले 28 अप्रैल को उन्होंने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की थी। एक अन्य ट्वीट में रोहित सरदाना को याद करते हुए राजदीप सरदेसाई ने लिखा है, रोहित और मेरे बीच राजनीतिक मतभेद थे, लेकिन हमने हमेशा बहस को एंजॉय किया था। हमने एक रात में एक शो किया था जो 3 बजे समाप्त हुआ था। इसके समाप्त होने पर उन्होंने कहा था, बॉस मजा आ गया। वह एक जुनूनी एंकर पत्रकार थे। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। सरदेसाई के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, भाजपा नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों, Time 24 न्यूज़ भी इस दुख की घड़ी में रोहित सरदाना के परिवार के साथ है और हम कामना करते हैं कि ईश्वर रोहित सरदाना के परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।